जो तापमान है 0.8 डिग्री ते दर्ज किया गया है। चार दिन तो मनफी दे विच भी बर्फबारी है जो हो रही है। दस दिए कि जो तापमान है दर्ज किया गया है ते सर्दियों का 20 साल रिकॉर्ड टूटा है ठंड का। दस दिए कि खेतीबाड़ी मौसम विज्ञानी केंद्र दे वलों ये जानकारी दी गई है ते सर्दियों का 20 साल रिकॉर्ड है जो टूटा है। दस दिए कि खेतीबाड़ी मौसम विज्ञान केंद्र दे वलों ये जानकारी दी गई है ते जो सर्दियों का रिकॉर्ड है 20 साल टूटा है। 20 साल दे विच इन्नी ठंड नहीं पई जिन्नी ठंड इस बार पै रही है ते 20 साल रिकॉर्ड है जो तोड़ दिता गया है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ते जो सर्दियों का 20 साल रिकॉर्ड है टूटा है। दस दिए कि चार दिन तो मनफी दे विच भी जो पारा है वह दर्ज किया गया है 0.8 है जो पारा दर्ज किया गया है। दस दिए कि लगातार ठंड है जो दिन ब दिन वधदी ही नज़र आ रही है ते इस बार जो 20 साल रिकॉर्ड है टूटे है सर्दियों का। वो पानी जम रहा है सीट में, 5 बजे बाद में तो ऐसी ठंड लगती है जी को आग जलाते हैं, लट बाड़ते हैं कोरा भीड़ में से ले लिया के। बड़ी सुंदरता में ठंड लग रही है साहब, फसल खराब हो गई साहब। सरसों की फसल तो एकदम बेकार हो गई, वो तो काम की नहीं रही। आंकड़ा बढ़ गया भीड़ के अंदर है तो एकदम से आंकड़ा तो खराब ही हो गया है साहब। बस आग कपड़ा फेरते मोकला माई ने चार चार पांच पांच ड्रेस लगा रखी है, फिर भी सर्दी बहुत लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, कड़ाके से पड़ रही है। राजस्थान में ठंड प्रचंड है तो पारा लगातार माइनस में चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, आग जलाकर अपना ठंड से बचाव कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं किस तरीके से ठंड है, किस तरीके से ठंड पड़ रही है फतेहपुर में अगर बात की जाए तो। सर किस तरह ठंड हो रही है? बहुत जोर की ठंड हो रही है, पारा जम रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। लगातार माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, किस तरीके से कैसा लग रहा है, क्या कैसे ठंड किस तरीके की लग रही है, किस तरीके से निकल रहे हैं? तो अपने आप को देखिए पूरा ढके हुए हैं, पूरा तो ढके हुए रहना पड़ेगा क्योंकि सर्दी का माहौल है, बहुत ज्यादा ठंड है। और ऐसी ठंड पिछले साल से तो बहुत ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछली बार बहुत कम थी, इस बार इसलिए ज़्यादा क्योंकि कम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा सर्दी का माहौल भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर्दी कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी भी लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ा रही है क्योंकि ये वह शहर है जहाँ गर्मियों में पसीना छुटाता है, पारा 50 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन अब स्थिति यह है यहाँ पर जो पारा है माइनस में 5.2 डिग्री तक चला गया है। ऐसे में 2 या 3 दिनों तक लोगों की मुश्किलें और कम नहीं होने वाली है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। राकेश गुर्जर, इंडियन न्यूज।